फोर्थ पार्ट डिस्कस। हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी, वेलकम टू स्टर्लिंग अकेडमी। सो आज हम लोग क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी बारे में, इसको मैंने जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने किया कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक डिफरेंस करके आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की, आप लोगों तक अच्छे से पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए सोचा, मैंने ऐसा सोचा कि इसको डिफरेंस करेंगे तो ज्यादा इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इससे पहले के टॉपिक आप मेरे चैनल पर इसी जो मेरा लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, राइट। मैंने लिंक उस पे भेजा है, आप नहीं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप मेरे जो लास्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो पब्लिक सेक्टर क्या होता है हमारा? पब्लिक सेक्टर इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ये जो है पब्लिक सेक्टर, ये हमारा जो कंट्रोल्ड और मैनेज होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, बट जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ये कोई एक इंडिविजुअल या कोई फर्म इसे मैनेज करती है। द नेक्स्ट पॉइंट, द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर, इस का मेन एम क्या होता है? सो सेकेंड पॉइंट, द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम एस्टैब्लिश करने का, अपनी जो कंपनी होती है या अपने जो सेक्टर्स होते हैं उनको एस्टैब्लिश करने का मेन एम ही पब्लिक वेलफेयर करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है। बट जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मेन एम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनका मेन एम ये नहीं है कि आपका और मेरा भला करे, राइट। उनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी। बट द सेक्टर प्रोवाइड्स, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये कंज्यूमर की गुड्स जो है, कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, ये कंज्यूमर की गुड्स प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज BSNL, ये हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा पब्लिक सेक्टर का। जो BSNL कंपनी है, जो इंडियन रेलवेज है, ये गवर्नमेंट की है, इसे पब्लिक सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेट सेक्टर का, रिलायंस, टिस्को, ये सारी जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट सेक्टर में काउंट होती हैं। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है और कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन करना होता है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना इनका मेन एम होता है। आगे पॉइंट देखते हैं, सो आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। व्हाई, ऐसा क्यों है कि बहुत सारी ऐसी जो सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नीड्स हैं, जो सोसाइटी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नीड्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स उसे पूरा नहीं कर पाते, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, ऐसा क्या रीजन है, व्हाई? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतने लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, राइट। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें लार्ज सम ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और जो इसे यूज करेंगे उन हजारों लोगों से मनी कलेक्ट करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। अगर प्रोवाइड कर भी देते हैं, नीड्स हमारी सेटिस्फाई कर भी देते हैं, तो वो इतनी ज्यादा हाई रेट होती है, जो अमाउंट है जो चार्ज करते हैं वो इतनी हाई रेट होती है कि वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का लेके चलें, कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस के जो कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट, तो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना,
इरिगेशन प्रोवाइड करना थ्रू डैम्स, तो ये सब जो टास्क हैं ये प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कर पाते हैं, राइट क्योंकि इसमें लार्ज सम ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है एट अ रीजनेबल कॉस्ट. सो इसी रीजन से गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक दीज सच हैवी प्रोजेक्ट्स, हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन. हर एक इंसान के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेती है, इस पे खर्चा करती है जो सभी लोगों के लिए सेटिस्फाई या सभी लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके. कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करती है. प्राइवेट सेक्टर बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट के एनकरेज के कंटिन्यू नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट. देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्शन भी करती है, मतलब उसको जनरेट भी करती है और उसको सेल भी करती है, राइट. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वीट और राइस को फार्मर से परचेज करती है, उसे गोडाउन में रखती है और उसे कम प्राइस पर कंज्यूमर्स को राशन शॉप के थ्रू उसे सेल कर देती है, जिससे कंज्यूमर को सपोर्ट मिलता है, राइट. देखिए दीज आर द लास्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट. जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, और गवर्नमेंट को इस पे स्पेंड करना जरूरी है. हेल्थ और एजुकेशन, यस, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट को इनके ऊपर स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. ये जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करेंगे तो हमारा जो देश है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, राइट. वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज एक्टिविटीज, सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर, राइट. इन द फर्स्ट चैप्टर लाइक रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट. जो एजुकेशन है, बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर जो स्कूल्स हैं उनको रन कराना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है. ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इंडिया साइज इलिटरेसी, इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है तो ज्यादा और साथ ही साथ इलिटरेट भी है. मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे ही इलिटरेट है, मैं भी उसमें एक इंक्लूड होती हूँ. मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ देम जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट. सिमिलरली वी नो हाफ ऑफ द इंडियाज चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड, जो कुपोषण का शिकार है. ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कुपोषित हैं एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर, और उनमें से जो क्वार्टर हैं, क्वार्टर ऑफ देम इस तरीके से जो बच्चे हैं, ठीक है, एक चौथाई जो बच्चे हैं वो हमारे क्रिटिकली इल हैं, वो बहुत ज्यादा बीमार हैं. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट आल्सो पे टू हैव अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर पुअर एंड द फूड न्यूट्रिशन. जो गवर्नमेंट है हमारी ये इन सब चीजों पे ध्यान देती है, अटेंशन देती है और ह्यूमन की डेवलपमेंट करती है. किस तरीके से कि वो अच्छे से साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करा सके, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, फूड और न्यूट्रिशंस, फूड और नरिशमेंट बच्चों को दे सके और उसमें न्यूट्रिशंस हो, राइट. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है. सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा और कुछ लास्ट के पॉइंट्स पढ़े जहां हम अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो
अगर मेरे स्टार्टिंग के पास देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं 8th, 9th, 10th के चैप्टर्स। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलेगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज मोटिवेट करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सी यू सून, बाय बाय।